नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। बच्चों, हमने लास्ट सेशन में हमारा रिवीजन किया था, राइट? स्वर का और हमने व्यंजन जहाँ तक चलाए थे उसका रिवीजन किया था, राइट? हमने क ख ग घ च छ झ झ ट ठ ड ढ अण त थ द ध और न, यहाँ तक हमने व्यंजन किए थे, राइट? आज के सेशन में हम लोग व्यंजन प और फ करेंगे, राइट? हमने क से न तक के व्यंजन कर लिए थे। मैंने आप लोगों को रिवीजन में भी ये करवाया था कि हम लोगों को हमारी जो बुक्स होती है उस बुक में कैसे लिखना है, नहीं कि इसके बीच में लिखना है और ना ही कि इसके बाहर आने देना है वर्ड, ओके? तो ये सभी चीजें हैं जो हमें व्यंजन लिखने में खास ध्यान रखनी है कि व्यंजन कहीं से बाहर निकल ना जाए, राइट? क ख ग, ग का जो ये स्टेप होता है वो थोड़ा सा अंदर होता है, ये स्टैंडिंग लाइन थोड़ी सी बाहर होती है। ग च छ झ झ ट ठ ड ढ अण त थ द ध और न, राइट? आज हम लोग प करेंगे। क्या करेंगे? प प करेंगे। उससे पहले हम लोग प से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो देखेंगे, और उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। सुनिए ना स्टोरी, फिर हम लोग प करेंगे और फिर हम लोग फ करेंगे, राइट? सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाती। एक था चूहा, उसको बहुत भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी कि वो इधर उधर भटक रहा था खाने के लिए। उसका पेट भूख के मारे तड़प रहा था, और फिर क्या हुआ कि उसको एक पेंसिल का टुकड़ा मिला। क्या टुकड़ा? पेंसिल का। तो वो तो उस पेंसिल को टुकड़े को लेके अपने जो दर होता है, अपना जो घर होता है अंदर का, वो वहां पर चला गया। फिर पेंसिल ने उसे कहा कि चूहे जी आप मुझे मत खाओ, क्योंकि मैं तो एकदम सूखी लकड़ी का एक टुकड़ा हूं, आपको मुझे खा के आपकी पेट भी, आपकी भूख है वो भी मिटेगी नहीं। तो फिर चूहे ने कहा कि मेरी भूख ना मिटे तो ना सही, पर तुझे खा के, तुझे मैं कुतर कुतर के मेरे जो दांत है उसको मैं एकदम तेज कर दूंगा। क्या कहा? कि मैं तुझे कुतर कुतर कर, चूहा को होता है वो क्या करता है, सारी चीजें कुतर डालता है, राइट? गुजराती में सुना कहिए खोदी ना के, एकदम हम क्रश करना के। तो ये जो चूहा था उसने कहा कि मैं तो तुम्हें कुतर कुतर के मेरे दांत है, जो मेरे टीथ है वो एकदम कैसे कर दूंगा, तेज। जो चूहे होते हैं उसके जो दांत होते हैं वो एकदम तेज होते हैं। हमने वो चूहा वाली स्टोरी सुनी ना कि उसमें भी वो शेर की झाल को कुतर डालता है, राइट? तो पेंसिल ने कहा कि आपको खाके, आप मुझे खाके आपकी पेट तो की भूख तो शांत नहीं होगी, तो मुझे छोड़ दे। पर चूहा है तो मानता ही नहीं है। फिर पेंसिल कहती है कि चलो कि आप मुझे खा तो लेना, पर मेरी एक इच्छा मुझे पूरी करने दो, मेरा एक चित्र है जो मुझे बनाने दो। तो चूहे ने कहा हाँ ठीक है, चलो तुम अपना एक पूरा चित्र कर लो। फिर क्या हुआ कि पेंसिल ने एक बड़ा सा गोल बनाया। क्या बनाया? गोला। तो वो चूहा बोला ये तो पनीर है। क्या है? पनीर है। फिर क्या हुआ कि फिर उसने क्या किया कि उस जो गोला बनाया था उस गोले में छोटे दो तीन और छोटे छोटे गोले बनाए। तो इसने कहा कि ये तो चीज बन गया, पनीर के अंदर चीज बन गया, ऐसा ऐसी सोचता था। और जैसे जैसे पेंसिल चित्र बनाती थी वो ऐसे ऐसे बोलता जाता कि ये तो पनीर है, ये तो चीज है, और एकदम क्योंकि उसको तो भूख लगी थी तो वो तो एकदम मस्त मस्त एकदम बातें बातें सोच रहा था खाने पीने की चीजें। फिर उसने क्या किया, पेंसिल ने एक गोला बनाया, फिर दूसरा बड़ा गोला बनाया, और धीरे धीरे करके फिर चूहा तो डरने लगा ना धीरे धीरे, क्योंकि वो धीरे धीरे फिर उसने एक उसकी पूंछ बनाई, फिर मूंछें बनाई, और धीरे धीरे करके क्या बन गया पता है? वो बन गई एक बिल्ली। क्या बना दी? बिल्ली।
और चूहा तो ओ माँ बिल्ली है ऐसा करके वो तो भाग गया और पेंसिल ने अपने से अपने को कुतरने से बचा लिया। राइट, पेंसिल ने कैसा दिमाग लगाया कि उसने तो धीरे धीरे करके बिल्ली का चित्र बना दिया और चूहा था वो तो डर गया और डर के मारे भाग गया। राइट, तो ये तो सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी थी सिर्फ एंजॉय करने के लिए। नाउ चलो आज हम लोग हमारा प स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प के कौन कौन से शब्द बनते हैं वो देखते हैं। प से कौन कौन से शब्द बनते हैं, तो प से पतंग। पतंग हम कब आकाश में उड़ाते हैं पतंग? यस, हम 14 जनवरी मकर संक्रांति यानी कि उत्तरायण के दिन हम लोग आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं। राइट, उस दिन पतंगे होती है आकाश में बहुत सारी कलरफुल होती है जिसकी वजह से पूरा जो हमारा आकाश है वो एकदम कैसा लगता है, आसमान एकदम सुंदर कैसा लगता है, सुंदर कलरफुल। राइट, आकाश अपने गुजराती में कहवाई दिख रहा कि आकाश अपने आप हिंदी में आसमान कहवा शू कहवाई आसमान। राइट, जो ये पतंग है उससे ये पूरा आसमान है वो कैसा हो जाता है, एकदम सुंदर और एकदम कलरफुल। राइट, प से पतंग, प से पर्दा, पर्दा हम घर में पर्दा लगाते हैं ना, प से पतंग, प से पर्दा, प से पपीता, क्या होता है प से पपीता, प से पक्षी, पक्षी में सारे पक्षी आ गए, मोर चिड़िया यानी कि चिड़िया, फिर स्पैरो, ओके स्पैरो सब भी पक्षी है वो चिड़िया कहलाती पक्षी कहलाते हैं। प से पतंग, प से पर्दा, प से पपीता और प से पक्षी। राइट, तो ये थे प से बनते शब्द जो प से शुरू होते हैं। राइट, अभी हम लोग प के स्टेप देखते हैं, क्या देखते हैं प के स्टेप। देखो हमारी जो ये पाठमाला है उसमें पेज नंबर 44, कौन से पेज नंबर, पेज नंबर 44 पर हमें प का ट्रेसिंग दिया है, हमें उसमें प हमें ट्रेस करना है। राइट, और प कैसे लिखते हैं वो सीखना है। ऑलरेडी ये सिर्फ सीखने के लिए ये फाइल टाइप होती है पर हम लोग हिंदी लिखते हैं डबल लाइन की बुक में। राइट, तो देखो प कैसे करना है, तो जैसे कि हम गुजराती में व कैसे करते हैं। राइट, वैसे ही सबसे पहले एक स्टैंडिंग सा प्लांट सा थे और इसको ऐसे टर्न, राइट, इसको ऐसे टर्न, इसको ऐसे टर्न, स्टैंडिंग और थोड़ा सा प्लांट सेट करके इसको यहाँ से टर्न कर देना है। राइट, यू करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, राइट, इसको थोड़ा सा ऊपर, राइट, यहाँ से लेके फिर यहाँ, यहाँ से लेके फिर यहाँ तक। राइट, और फिर उसको स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देना है, क्या करना है, फिर उसको स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देना है, टर्न स्टैंडिंग, स्टैंडिंग टर्न और स्टैंडिंग, और फिर उसको स्लिपिंग लाइन से हिंदी शब्द बना देना है, क्या करना है, फिर उसको स्लिपिंग लाइन से हिंदी शब्द बना देना है, कैसे करना है, स्टैंडिंग टर्न स्टैंडिंग स्लिपिंग, क्या करेंगे एक दो बार प्रैक्टिस करते हैं इसकी हम लोग, क्या करेंगे स्टैंडिंग टर्न और स्टैंडिंग और ऊपर स्लिपिंग लाइन, तो बन गया हमारा प, प से पतंग, प से पर्दा, प से पक्षी, प से पपीता। राइट, कैसे करना है और एक बार प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, कैसे करना है, सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन टर्न, यू यू जैसे कैसे करते हैं, ओके अम्ब्रेला का यू उसी तरह से थोड़ा सा प्लांट से और फिर उसको स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देना है और हिंदी करने के लिए ऊपर हमें स्लिपिंग लाइन करनी होती है, तो हो गया हमारा प। लास्ट टाइम करते हैं प्रैक्टिस, वन स्टेप टू और थर्ड और फोर्थ स्टेप, तो हो गया हमारा प डन। प के बाद क्या आता है, यस प, पहले हम प की एक्सरसाइज देख लेते हैं। प का जो नीचे अभ्यास है पेज नंबर 44 में
उसमें देखो क्या लिखा है, प से शुरू होने वाले चित्रों के नाम पर राइट का निशान लगाओ। जो हमें पिक्चर दिए हैं, उस पिक्चर्स में जो जो प से शुरू होता है उसमें हमें राइट करना है। देखो कैसे कैसे, देखो पहले पिक्चर कौन कौन से है वो देखो। पिक्चर एक पलंग का है, एक आंख नयन का है, एक पहाड़ का है, एक पतंग का है और एक टमाटर का है। कौन कौन से पिक्चर है? पलंग, आंख का यानी कि नयन का, फिर पहाड़, पतंग और टमाटर, राइट। कौन कौन से पिक्चर से देख लिया आप लोगों ने? अभी आप लोग देखो कि प से कौन कौन से जो ये पिक्चर शुरू होते हैं, प से, प से तो प से पलंग, जिसके ऊपर हम सोते हैं तो हमें पलंग में टिक करना है, राइट। फिर है नयन, तो वो तो न से शुरू होता है तो उसमें नहीं करना है, राइट। फिर है पहाड़, तो प से पहाड़, तो उसमें भी वो भी प से शुरू होता है तो उसमें भी हमें राइट करना है, ओके। फिर है प से पतंग, क्या है? पतंग, तो प से पतंग, ये तो प से शुरू होता है तो पतंग में हमें राइट करना है। फिर तो है टमाटर, तो टमाटर प से शुरू होता है? नहीं, वो तो ट से शुरू होता है तो इसमें हमें करना नहीं है। यानी कि पलंग, पहाड़ और पतंग तीनों पिक्चर्स में हमें राइट करना है, ओके। नाउ ये थी बात सिर्फ प की, और आज हम और क्या सीखने वाले हैं? फ, क्या सीखेंगे? फ। तो फ में फ से कौन कौन से शब्द बनते हैं? फ से कौन कौन से शब्द बनते हैं? फ से फल, फल यानी सारे फ्रूट्स, उसमें केला, चीकू, पपीता, अंगूर, अनार सब कुछ आ गया। फ से फल, फ से फन, जो स्नैक्स होता है ना, नाग, राइट, गुजराती में उसको नाग, वो स्नैक्स की जो उसकी जो फन होती है, आगे का जो उसका मुंह होता है, मुंह के अंदर जो उसकी टंग होती है तो उसके फन, राइट, इस तरीके से होता है तो नाक का वो फन कहलाता है, राइट। फ से फल, फ से फन, फ से फसल। फसल यानी कि क्या? तो हमारे खेतों में कोई भी अनाज जब उगता है, राइट, खेतों में है तो हमारे खेत होते हैं, उस खेत में जब अनाज बोते हैं और फिर अनाज जब उगता है, फ्लावर हो या फिर कोई वेजिटेबल्स या फिर कोई गेहूं या कोई अनाज या कुछ भी है जो खेत में उग के निकल आया है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? फसल। क्या कहते हैं? फसल। फ से फल, फ से फन, फ से फसल। तो ये थे फ से शुरू होने वाले शब्द। अभी हम क्या करेंगे? फ के स्टेप करेंगे। क्या करेंगे? फ के, चलो अभी फ के स्टेप शुरू करते हैं, राइट। फ के स्टेप में क्या है? जैसे हम क करते हैं तो क में हम कैसा करते हैं कि एक राउंड करते हैं और स्टैंडिंग लाइन करके यहाँ पर ऐसा राउंड करते हैं, पर फ में ऐसा होता है कि यहाँ पर राउंड होता नहीं है, ओके। चलो करते हैं उसकी एक थोड़ी सी प्रैक्टिस। सबसे पहले हमने अभी प में कैसे किया था, प से पतंग में हमने कैसे किया था, उसी तरीके से हमें यहाँ पर ऐसा करना है और फिर उसको स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देना है। क्या करना है? ऐसे करके स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देना है, राइट, और फिर इस तरफ ऐसा कर देना है, राइट। देखो ऐसे करके स्टैंडिंग और फिर यहाँ पर ऐसा, डन, ओके। देखो वापस करते हैं, एक बार इसकी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। फ कैसे करेंगे? स्टैंडिंग और यहाँ पर ऐसे टर्न, तो हो गया हमारा फ। जिसे हमने प कैसे किया था वैसे ही करके स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देंगे और फिर यहाँ पर टर्न करना है, जैसे कि हम लोग क के अंदर करते थे वैसे। क में किस तरह था? यहाँ पर भी एक राउंड था, पर यहाँ पर राउंड नहीं है, यहाँ पर स्टैंडिंग वाला सेट कैसा है? स्टैंडिंग वाला सेट, राइट। तो हो गया हमारा फ, डन, ओके। तो हो गया हमारा फ। फ से फल, फ से फसल और फ से फन, राइट। देखो स्टैंडिंग वाला सेट प्रिनाउंस करके स्टैंडिंग लाइन और फिर यहाँ पर टर्न,
तो हो गया हमारा फ। क्या हो गया हमारा फ, डन। ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, डन। अगर ना आए तो हम लोग पहले हमने प कैसे किया था वैसे करके फिर यहाँ से डन। हो गया हमारा फ, डन। फ के स्टेप प जैसे करते हैं वैसे ही करना है। देखो हम लोग कैसे कर, आज हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले हमने प सीखा और फिर हमने क्या सीखा, फ सीखा, राइट। प और फ, प से पतंग, प से पर्दा, फ से फल, फ से फसल, राइट। ये सब कुछ हमने आज कर लिया है, राइट। फ की बार बार आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी तो ही वो आएगा, राइट। फ से फसल, डन। तो ये था हमारा प और फ के स्टेप। अभी हम हमारी फ की एक्सरसाइज है पेज नंबर 45 पर, क्या है उसमें, एक फलों की टोकरी दी है। क्या दिया है, फलों की टोकरी। हमें उसमें क्या करना है, अच्छे अच्छे रंग करने हैं। देखो अंगूर में कैसे रंग होते हैं, फिर पाइनएप्पल में कैसे रंग होते हैं, फिर केले में, आम में, इतने सारे इतने फल है उस टोकरी में। तो फलों के कैसे कैसे रंग होते हैं और फल से फल, ये फल की टोकरी है तो उसमें आप लोगों को रंग करना है। क्या करना है, रंग करना है। तो चलो कुछ हम लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं कि प और फ को कैसे पहचानते हैं और अगर हमें कोई बीच में से कोई भी वर्ड हमें पूछा जाए तो हम कैसे लिख सकते हैं। पूरी वर्णमाला हमें लाइन में क्रम में याद होनी जरूरी है, राइट। इसीलिए ये बार बार मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ। देखो सबसे पहले हमें प और फ को पहचानना है। यहाँ पर बीच में कौन सा वर्ड दिया है हमें, कौन सा वर्ण दिया है, प। तो यहाँ पर हमें जहां जहां पर भी प दिखाई दे रहा है वहीं पर हमें लाइन करनी है। तो ये है क, पहले कौन कौन से शब्द है वो एक बार हम देख लेते हैं। क, ख, प, तो यहाँ पर आ गए। फिर त, फ, ये फ है, प, तो यहाँ पर भी है। ज, ज, प, यहाँ पर भी है। ग, प, यहाँ पर भी है। ट, क, राइट। देख लिया, अभी वापस देखते कहां कहां पर प हमने किया। यहां पर भी प, फिर यहां, फिर यहां और फिर यहां। तो 1, 2, 3 और 4, चार प इस घड़ी के अंदर है, राइट। वैसे ही हमें फ को पहचानना है। क्या करना है, फ को पहचानना है। देखो तो फ कहां पर दिखा है, सबसे पहले यहां पर ही दिखाई दे रहा है फ हमें, तो यहां पर हमने टिक किया। फिर हमें कहां पर दिखाई, ये तो प है, ग, ग, च, ट, फ, यहां पर भी है फ। फिर क, देखो क के अंदर क्या होता है, इतना राउंड होता है, राइट। ये याद रखना आप लोग, क होता है उसके अंदर इस तरीके से राउंड होता है, ओके, क में। और फ में क्या होता है, स्टैंडिंग वाला स्टेप होता है। क्या होता है, स्टैंडिंग वाला स्टेप है, ओके। इन दोनों में आप लोगों को मिस्टेक होनी चाहिए नहीं, डन। फिर यहाँ पर फ है, ये तो क है, ये वापस फ आया। न, ट, ज, यहाँ पर फ, यहाँ पर भी फ, ये क है और ये रहा फ, डन। इसमें तीन फ है और इसमें चार फ है, राइट। तो इस तरीके से हम बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं हर एक वर्ण की। मम्मी को बोलना चाहिए कि वो हमें से एक छोटी सी घड़ी बना दे और इसके अंदर कोई भी हमें वर्ण लिख दे। क से हमने फ तक कर लिया है, राइट। तो सारे वर्ण की हमें घड़ी बना के हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्लैंक भी है, राइट, यानी कि बीच वाले वर्ण नहीं है जो हमें लिखने है। देखो कैसे लिखना है, क के बाद क्या आएगा, ख। क्या आता है, ख, क, ख, ग, घ, च और छ। क, ख, ग, घ, च, छ, झ। क, ख, ग, घ, च, छ, झ, राइट। बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है।
ज के बाद क्या आता है? ज, ज से झरना, ज ट ठ ड ढ ण क ख ग घ च छ ज ज ट ठ ड ढ ण त त के बाद थ त थ द ध न और प क से फ तक कर लिया क ख ग घ च छ ज ज ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ राइट हमने क से फ तक के व्यंजन कर लिए हैं राइट हमें क्या करना है इस बार वर्कशीट में हमें प है वो हमारा पेज नंबर 44 कंप्लीट करना है टिक करना है पेज नंबर 45 में फल की जो टोकरी दी है उसमें रंग करना है और सी डब्ल्यू में एक पेज प का और एक पेज फ का लिखना है राइट ताकि हमें प और फ की प्रैक्टिस हो जाए ओके नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और आगे के वर्णन करेंगे तो तब तक के लिए बाय।